Hi everyone, welcome back to my channel. This is Fashion with Chetna. और in this video मैं आप लोगों के साथ share करने जा रही हूँ एक प्लाजो जो कि printed है, उसके साथ में आप किस तरीके से 5 to 6 look जो है ready कर सकते हैं. तो यहाँ पे मैं जो आपको idea देने जा रही हूँ बहुत ही simple है. आप लोगों के पास ऐसे क्लोथ available भी होंगे और नहीं भी हो तो आपको शायद एक या दो ही चीज purchase करनी पड़ेगी और आपके easily 5 to 6 look जो है बन जाएंगे. तो मैं आपको यहाँ पे पहले बता दूँ कि जो प्लाजो है वो बेसिकली एक प्रिंटेड प्लाजो होनी चाहिए. मैं यहाँ जो यूज कर रही हूँ इस टाइप की प्लाजो यूज कर रही हूँ जो कि मैंने मिंत्रा से मंगवाई है. आप मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट कहीं से परचेस कर सकते हैं और आप लोकल मार्केट से भी इस टाइप की प्लाजो पैंट परचेस कर सकते हैं. अब मेरे वीडियो के साथ पे कंटिन्यू बने रहिए और देखिए कि मैं अपने 5 to 6 लुक जो है कैसे रेडी करती हूँ. लुक नंबर 1 में मैंने वियर किए है प्रिंटेड प्लाजो पैंट और उसके साथ में मैंने वियर किए है एक स्लीवलेस श्रग और टैंक टॉप और गले में चोकर पहन के अपने लुक को कंप्लीट किया है. ये लुक जो है डे टाइम लुक के लिए एकदम परफेक्ट लुक है. आप कहीं घूमने जा रहे हो या कॉलेज भी जाते हो तो आप इस तरह का लुक जो है वो रेडी कर सकते हो और फ्लैट्स पहनकर अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो. अपने सेकंड लुक के लिए मैंने प्रिंटेड प्लाजो पैंट के ऊपर वियर किया है एक ज़िगज़ैग कुर्ता. आप इस तरह का कोई भी स्लीवलेस कुर्ता वियर कर सकते हो या आपके पास किसी भी तरह का स्ट्रेट कुर्ता या हाई स्लिट कुर्ता हो तो भी आप प्लाजो पैंट के ऊपर वियर कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छा लगेगा. ये कॉलेज के पर्पज़ से ये लुक एकदम परफेक्ट है. एकदम लूज ड्रेस हमारे लिए रेडी हो जाती है, एकदम कंफर्टेबल लगती है. तो हम इस तरह का लुक जो है मार्केट में वियर कर सकते हैं या कहीं भी कॉलेज जाते हैं तो भी आप इस तरह का लुक जो है डे टाइम के लिए रेडी कर सकते हो. लुक नंबर 3 में मैंने इस पैंट के ऊपर वियर किया है एक स्लीवलेस टॉप या बोलूँ स्ट्रैप टॉप जो कि मैंने शीएन से परचेस किया था. ये अप्रॉक्स 150 रुपीज़ का टॉप है क्योंकि मैंने पॉइंट के साथ में इकट्ठा करके इसे परचेस किया था तो मुझे 150 रुपीज़ का पड़ा था. तो इस तरह का लुक और साइड में स्लिंग बैग एंड गले में चोकर एंड फ्लैट्स और कोल्हापुरी चप्पल पहन के अपने लुक को कम्प्लीट कर सकते हो. लुक नंबर 4 में मैंने वियर किया है एक क्रॉप टॉप बोल सकते हैं या ब्लाउज की तरह का ही स्लीवलेस टॉप बोल सकते हैं. ये बहुत ही अच्छा टॉप है. आप इस तरह के टॉप जो है लहंगे पे वियर करते हो तो लहंगे वाला जो भी टॉप आप पहनते हो क्रॉप टॉप, इस तरह का टॉप भी आप प्लाजो पैंट पर पहनकर अपने लुक को कंप्लीट कर सकते हो. ये भी बहुत अच्छा लगता है कैजुअली और ओकेजनली दोनों के लिए. लुक नंबर 5 में मैंने वियर किया है प्लाजो पैंट के साथ में एक वाइट शर्ट जो कि बहुत ही अच्छी शर्ट है. आप इस तरह की वाइट शर्ट जो है आप अपने लुक के लिए रेडी कर सकते हो और अगेन गले में चोकर पहन के फ्लैट्स पहन के अपने लुक को कॉलेज के अकॉर्डिंग रेडी कर सकते हो. ये एकदम परफेक्ट लुक है और बहुत ही कॉमन और ट्रेंडी लुक भी है. बहुत अच्छा लगता है वाइट कलर की शर्ट किसी भी स्कर्ट या प्लाजो पैंट के साथ में. नेक्स्ट मैंने अपने लुक के लिए रेडी किया है एक प्लाजो पैंट के साथ में टैंक टॉप ब्लैक कलर का वियर किया. आप यहाँ पे किसी भी तरह का टैंक टॉप जो है वियर कर सकते हो. तो बेसिकली टैंक टॉप जो है प्लाजो पैंट के साथ में एक ओकेजनली तो नहीं बोल सकते लेकिन कैजुअली लुक कैरी करता है तो आप कॉलेज में इस तरह का लुक जो है रेडी करके जा सकते हो. सो गाइस आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. अब मैंने यहाँ पे 5 to 6 लुक जो है आप लोगों को बता दिया और कुछ आइडियाज जो है आप लोगों के माइंड में होंगे तो आपकी 8 to 7 ड्रेस जो है इजीली रेडी हो जाएगी. अगर गाइस आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इस तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना. आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इसकी आईडी नीचे दी गई है और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझे जीमेल पे मेल करके भी पूछ सकते हो. सो गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर. बाय बाय. और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना ना भूलें. बाय बाय.